कुछ हफ्ते पहले यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया था कि कावड़ यात्रा के रूट पर जितने भी खाने के आउटलेट्स हैं, ठेले हैं, सब दुकान के सामने मालिक का नाम डिस्प्ले पर रखेंगे। कहा कि ये तीर्थ यात्रा की पवित्रता को बचाने के लिए किया जा रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी ऐसे फरमान देखे गए और गोदी इकोसिस्टम ने इसे जस्टिफाई करने के लिए नैरेटिव क्या फैलाया कि मुसलमान लोग खाने में थूकते हैं। अब ये बात सच है कि कुछ मुस्लिम लड़के ऐसे काम करते हुए देखे गए हैं, जैसे कि मेरठ की किसी शादी में सोहेल नाम का ये आदमी रोटियां बनाते हुए थूकता हुआ देखा गया। बाद में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया था। गाजियाबाद में ऐसा ही कुछ करने के लिए मोहम्मद मोहसिन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि क्या सिर्फ मुसलमान लोग ही ऐसा करते हैं? कालूराम कुरबिया तेलंगाना में आइसक्रीम और फलूदा बेच रहा था। एक वीडियो में वो खाने में अपने बॉडी फ्लूइड्स डालता हुआ देखा गया। इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2017 की इस खबर को देखिए। गुजरात में पानीपुरी वाले को जेल भेजा गया क्योंकि वो इमली के पानी में टॉयलेट क्लीनर मिक्स कर रहा था। नाम था चेतन मारवाड़ी। 2011 की इस खबर को देखिए। मुंबई में पानीपुरी वाला राजदेव लखन चौहान अपने सर्व करने वाले लोटे में पेशाब कर रहा था। कुछ लोग धार्मिक नफरत के नाम पर इतने पागल हो चुके हैं कि वो अपनी कॉमन सेंस भी खो चुके हैं। ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, क्या तुम वो गोलगप्पे खा लोगे जिसमें किसी हिंदू ने पेशाब किया हो? नहीं ना। तो फिर सीधा क्यों नहीं कहते कि जिस भी इंसान ने ऐसे घिनौने काम किए हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसे सजा दो। फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स को एक्टिव करो। इसलिए जरूरत है दोस्तों देश में पढ़े लिखे और समझदार नेताओं की। थैंकफुली सुप्रीम कोर्ट ने इस बेवकूफी भरे फरमान पर 26 जुलाई तक इंटरिम स्टे लगा दिया है। लेकिन इन नफरती चिंटुओं ने सुप्रीम कोर्ट को ही उल्टा गालियां देनी शुरू कर दी इस चीज को लेकर।